हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड की ओर से निकाली गई ट्रेड अप्रेंटिसशिप और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो ये एनएचपीसी लिमिटेड की ओर से जारी किया गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज। ऊपर आपको हिंदी में इसका जो नोटिफिकेशन वो देखने को मिल जाएगा, नीचे अपन चलेंगे तो इसका यही सेम नोटिफिकेशन है वो इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले अपन इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें एक साल के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई साल 2024-25 के लिए। इसमें सबसे पहले टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की बात करें तो सिविल की 5 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 5 वैकेंसी है, मैकेनिकल की 3 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की 3 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट के पास में 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके साथ ही एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखी गई है। 5 नंबर की वैकेंसी यहाँ पे नर्सिंग की निकाली गई, इसमें भी कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा जनरल नर्सिंग में होना जरूरी है। एज लिमिट वही है 18 से 30 वर्ष रखी गई है। एक्सरे टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। सभी में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इस प्रकार से टोटल 22 पदों के लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी सेकंड में बात करें तो यहाँ पे डिजिग्नेटेड ट्रेड की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें इलेक्ट्रीशियन की 5 वैकेंसी है, फिटर की 3 है, वेल्डर की 3 है, प्लम्बर की 2 है, कोपा की 5 वैकेंसी है, 18 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में एनसीवीटी एससीवीटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इनके लिए भी एज लिमिट वो 18 से 30 वर्ष वो यहाँ पे रखी गई है। कैंडिडेट है वो 2020 या इसके बाद में पास आउट वो होना जरूरी है। ये सिर्फ जो कंडीशंस रखी गई है ये सिर्फ टेक्निकल डिप्लोमा जो अप्रेंटिसिस है उनके लिए रखी गई है। स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा अप्रेंटिसिस को यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड है 8,000 रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। इसके साथ ही जो आईटी अप्रेंटिसिस है उनको 1,700 रुपए हर महीने पेड किया जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट है उनको 1 साल के लिए ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। कैंडिडेट वो मिनिमम जो फिजिकल स्टैंडर्ड है अप्रेंटिस रूल 1992 के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट करना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए जो कैंडिडेट टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन कैंडिडेट को एनएटीएस पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे करना है। उसके बाद कैंडिडेट को जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना है। एस्टैब्लिशमेंट जो यहाँ पे आपकी एस्टैब्लिशमेंट एनरोलमेंट आईडी दिखाई दे रही है, इसी प्रकार से जो डिजिग्नेटेड ट्रेड के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें उन्हें सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन है वो एनएपीएस पोर्टल के ऊपर करना है। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना है। इसके बाद कैंडिडेट को जो इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उसको डाउनलोड करना, उसको फिलअप करना है और उसके बाद उस ऑफलाइन एप्लीकेशन को फॉर्म को यहाँ पे भेजना जरूरी है, जो कि यहाँ पे आपको दे रखा है। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भेजने के जो लास्ट डेट हो 12/11/2024 होगी, यानी कैंडिडेट को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में फिलअप करना है एनएपीएस एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से। उसके बाद कैंडिडेट को ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पे सबमिट करना है। कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है वो मार्क्स बेसिस आधार पे किया जाएगा। अब यहाँ पे नीचे जनरल कंडीशंस वो कैंडिडेट्स के लिए दे रखे, नीचे अपन आते हैं तो यहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाना, अपने सारी डिटेल्स वो फिलअप करनी है। उसके बाद में इसमें सारी नीचे आपको अपने सिग्नेचर करते हुए जो लास्ट डेट इसकी दे रखी है 12/11/2024 उस तक आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म हो यहाँ पे जमा करवाना जरूरी है। तो दोस्तों इसे एनएचपीसी लिमिटेड की ओर से जो ये डिप्लोमा और जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई उसकी यहाँ पे मैंने सारी जानकारी है वो दे दी है। यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट है वो तो यहाँ पे जो एनएचपीसी का जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद में जो प्रोजेक्ट अपडेटेड एरिया उनको यहाँ पे दिया जाएगा। तीसरा यहाँ पे जो दिया जाएगा प्रेफरेंस वो अरुणाचल प्रदेश और आसाम को दिया जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ प्रेफरेंस है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट को दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओनली इंडिया के कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।